गुड मॉर्निंग सभी को। और हम लोग अभी उठ रहे हैं, जब मेरी मम्मी आई सभी को उठाने के लिए, माली नहलाने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 सुबह के, और मेरी मम्मी मेरा ही व्लॉग देख रही है, जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ फ़ोन पे कहाँ है वो रहा। और ये मम्मी कब नहलाओगी उसको? बस पानी गर्म कर देती, अभी मालिश करी है ना, मालिश करके थोड़ा तेल सूख जाए उसके बाद। मम्मी आप मेरे व्लॉग में पहली बार आ रही हो ना? जी इस वाले व्लॉग में। हाँ ये विक्की है, अपने नाश्ता बना रहे, विक्की को दिखाती हूँ मैं आपको। विक्की अपने लिए नाश्ता बना रहे हैं, फिर से मिलते हैं हम किचन में। लास्ट व्लॉग में भी विक्की किचन में थे, इस व्लॉग में भी विक्की किचन में ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विक्की को मास्टर शेफ से आया था ऑफर। विक्की आप क्या बना रहे हो? सैंडविच बना रहे हैं, जैसे कि ये देखो आलू पेटी, ब्रेड, पनीर। कौन का फेवरेट हो? स्पीकर और गाने। अब वो घी का डब्बा था। अब हम आपको मिलेंगे जब सभी को मम्मी नहलाने लग जाएगी, तब मैं आपको दिखाती हूँ सभी क्या कितना रोती है, कितना रोती है सभी। अभी डेढ़ बजे की भी बना रही थी, डेढ़ बजे की ब्लॉग। मैं कर रही हूँ यहाँ पे नाश्ता, आलू की सब्जी। विक्की कर रहे हैं इधर नाश्ता, सैंडविच पनीर वाले। ये मेरी बेटी नहाने के लिए आ गई, उसका रोना शुरू हो गया। जब उठेगी तब नहीं रोती, जैसी मम्मी को देखेगी और नहला के आ गई नहलाने वाली, तभी रोने लग जाएगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब उसका रोना देखना। वैसे मेरी बेटी नहीं रोती, उसके मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बता दिया कि मेरी बेटी नहीं रोती है, पर अब कैसे कितना रो रही है देखो। हमारे यहाँ पे ऐसे ही नहलाते हैं, आपके यहाँ कैसे नहलाते हैं मुझे बताना। हो जाएगी उसकी, अब मेरी मम्मी उसकी अब तेल बॉडी लोशन लगाएगी, पाउडर लगाएगी, पूरा तैयार कर देगी। और मैंने नाश्ता कर लिया है, मेरी आवाज़ धीरे आ रही होगी। आज तो फिर हम घर पे ही रहेंगे, आज तो कुछ नया नहीं है दिखाने के लिए। बट हाँ आज दिन में मैं शायद पनीर वाला पुलाव बनाऊँ। चलो मिलते हैं सभी को तैयार करने के बाद। व्लॉग में कह रही हूँ घुंघरियाले, आज मैं व्लॉग में कह रही हूँ मेरा भाई की जब भी शादी होगी, उसके जो बच्चे होंगे उसके बाल घुंघराले होंगे, क्योंकि हमारे परिवार में घुंघराले बाल ज़्यादा हैं। सिल्की बाल सिर्फ मेरी मम्मी के हैं और किसी के नहीं हैं। मेरे पापा के घुंघराले, मेरे घुंघराले, मेरी मम्मी के और मेरे भाई के घुंघराले बाल, और मेरी बेटी के हैं सिल्की बाल। देखो 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 इसके सिल्की बाल, देखो देखो भाई, देखो 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 देखो। और मेरी मम्मी उसके बाल खेल रही है, कह रही मेरी मम्मी यूट्यूबर फैमिली। और मैं ऐसे बन रखी हूँ रामा काका, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ, सुन रही है ये देखो ये सारी बातें सुन रही है। देखो 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 अब अगले, अब एक साल बाद ये भी ब्लॉग बनाएगी, ये भी बोलेगी नमस्ते सबको, बोलो नमस्ते सारे यूट्यूबर फैमिली वालों को, मेरी ओर से और मेरी नानी की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते। नज़र तो मेरे को लगी, देखो भाई देखो कितनी सुंदर सुंदर गोली गोली मोलू सी है ये हमारी सोना सोना है ये, जिसका नाम आराध्या है। ये सभी रावत भी है, आराध्या रावत भी है। मेरा हाथ धो जाता है व्लॉगिंग कर करके। देखो भाई देखो, अब आपको मिलेंगे जब हम सभी को दूध पिला के सुला देंगे, तब हम आपको अपना दिन का रूटीन बताएंगे क्या करने वाले हैं। और मेरी मम्मी नहला के वक्त घर चले जाएंगी, है ना मम्मी? घर चले जाओगी ना? नहीं थोड़ा डांस करूँगी यहाँ पे। चलो आज मेरी अपनी मम्मी का आपको डांस भी दिखाऊंगी, गाना चलाऊंगी ना मैं उसमें स्पीकर में। देखना जरा इसको कैसे आके फाड़ फाड़ कर देख रही है। देखो भाई देखो इसे, देखो सारे आँख फाड़ पड़े। मेरी बेटी सो गई है, अब जाके मैं फ्री हो गई हूँ। जब मेरी बेटी नहा मालिश करके नहा के दूध पी के सो जाती है, देन मैं फ्री। उसके बाद मैं अपना जो छोटे मोटे काम होता है जैसे कपड़ों की तह लगाना, मैं भी कपड़ों की तह ही लगा रही हूँ। कपड़ों की तह लगाना, किचन साफ करना थोड़ा थोड़ा, बस इतना ही। उसके बाद मैं भी आराम करूँगी उसके साथ, फिर वो उठेगी सीधा 2:30
घंटे बाद, ढाई घंटे बाद उठेगी, फिर दूध मांगेगी, थोड़ा खेलेगी, फिर दोबारा सो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था उसका रूटीन, वो हर 2 से 2.5 घंटे में उठती है। हर 2 से 2.5 घंटे में ऊपर मेरी मम्मी में और मेरी सासू माँ में कुछ बातें चल रही हैं, कभी किसी और दिन उनकी बातें मिलाऊंगी, बताऊंगी। पीछे मेरे हस्बैंड है, वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, दिखाना नहीं चाहिए ऑफिस का काम। देखो मेरे बाल, अभी कुछ नहीं, अभी बस सुबह उठ के सभी को ही तैयार व्यार करके उसके ऊपर टाइम लगता है हमारा, उसके बाद जाके मैं अपना हुलिया बिगाड़ूंगी। देखो जूड़ा जाड़ा पता नहीं कहाँ है क्या है, कपड़ों के तय लगा दूँ, अपनी मम्मी, मेरी मम्मी जाएंगी, उनको टाटा बाय बाय कर दूँ, फिर जाके मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ और फिर मैं दिन का खाना बनाऊँगी। विक्की जानबूझ के मेरी वीडियो ब्लॉग में पीछे से वो चला रहे हैं ताकि मेरे में कॉपीराइट क्लेम आ जाए। विक्की आप कॉपीराइट क्लेम चाहते हो क्या? कह रहे हैं हाँ। मैं बैठी हूँ बीन बैग में, बीन बैग में अच्छा मुझे क्या लगता करना है, ये मेरी पूरी कमर की जो वो है ना गैप होता है बीच में, उसमें जो वो भर जाता है बीन, उसका मजा आता है। ऐसे भी व्लॉगिंग कोई नहीं करता होगा जैसे मैं करती हूँ व्लॉगिंग। देखो व्लॉगिंग तो करनी है, पोजीशन चाहे कोई भी हो, खड़े हो, बैठ के, लेट के, ऐसे बस, ज़्यादा कुछ तो नहीं है आज के व्लॉग में। आज का काफ़ी बोरिंग व्लॉग होने वाला है, हो सकता है शाम को कुछ इंटरेस्टेड हो अगर मैं कहीं जाऊँ घूमने के लिए, तो अगर विक्की मुझे ले जाए एग रोल खिलाने के लिए तो फिर ये व्लॉग बहुत अमेजिंग बन सकता है। जैसे अभी मैं ऐसे में लेटी हूँ ना, तो सारा जो भार है वो नीचे की साइड है, तो मेरे होंठ भी नीचे ऊँचे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। मेरी आँखें भी सारी ऊपर जा रही है, तो कि मेरी आँख ऐसे नीचे को हैं, छोटी छोटी आँखें। और मैं दिखा दूँ, ये विक्की का टेबल है, बस ऐसे ही व्लॉगिंग करना मुझे अच्छा लगता है। कभी कभार नए स्टाइल में व्लॉगिंग करना चाहिए, तभी तो लोगों को कुछ नया दिखेगा, वरना तो लोग पुरानी व्लॉगिंग देख देख के बोर हो चुके हैं। जैसे कि मैंने चैलेंज लिया था कि मैं हर एक दिन गैप में व्लॉग बनाया करूँगी, तो वैसे ही मेरा चल रहा है रूटीन, भगवान जाने कब टूटेगा ये भी, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती बिकॉज आई एम वेरी वेरी एलसी। और अब मेरी कमर जो है वो आराम सही हो चुका है, तो अब ज़्यादा देर रखूँगी तो दर्द भी होने लग जाता है, तो मैं अब उसको सही करूँगी। अब मुझे उठने में जो है बहुत टाइम लगेगा। चलो मैं आपको अपना स्ट्रगल दिखाती हूँ, मैं कैसे उठती हूँ जब मैं ऐसे करती हूँ बीन बैग में, उसके बाद मैं कैसे उठती हूँ देखना। पहले मैं इधर से ये टेबल पकड़ूँगी, फिर मैं अपने पैर को ऐसे रखूँगी, फिर मैं ऐसे उठूँगी, पूरा सर घूम गया। अरे बाबा, उससे कहा था कि मेरी बेटी जब उठती है तो वो रोती नहीं है। देखो देखो अभी ये सो के उठी है, कितनी खुश है ये, देखो कितनी खुश है, ये रोती नहीं है, ये तो रोती नहीं है। अभी अपने आप उठी और देखो अपने आप खेलने लग गई। अब मैं इसे थोड़ा फीड कराती हूँ, देन फिर शी इज हैप्पी हैप्पी, पेटू भर जाएगा। और जब आपने सुबह देखा होगा जब ये वो कर रही थी, नहा रही थी, तो कितना रो रही थी, ऐसी करती है जब भी नहाने के लिए ना, जैसे मेरी मम्मी को देखती है ना रोने के, रोने लग जाती है पता नहीं क्यों। और जब भी सो के उठती है ना 9 बजे 9:15 पे, तब नहीं रोती है, तब बिल्कुल नहीं रोती। मैं पूरी मालिश करूँगी इसकी, नहीं रोएगी, जैसे नहाने का टाइम आएगा रोने लग जाएगी। कितने शांत से बैठी है ये देखो, अभी नहीं रोएगी ये, जैसी मेरी मम्मी आई है नहलाने के लिए 10 बजे करीब, बस उसका रोना स्टार्ट, ऐसे रोती है जैसे किसी ने से कितना मार दिया हो। पर अभी वो कितने शांत बैठी है, ये ऐसी है, नौटंकी बाज है एक नंबर की, ये अपने बिल्कुल अपने डैडी पर गई है।
अब मैं तो छुंदरी मुंदरी हूँ, ये तो गंदी गंदी है, मैं तो छुंदरी मुंदरी हूँ, छुंदरी मुंदरी। जब आपके पास छोटा बेबी होता है ना, या कोई बच्चा हो, दिन का पता नहीं चलता कब शुरुआत हुई और कब ख़त्म। मैंने खाना भी बना दिया है, एज ऑलवेज विक्की पबजी खेल रहे हैं, फिर मैं आपको खाना खाने के बाद मिलती हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल साहिबाबाद वाले में, और मैं आज पहली बार खुद से पानी में उतरने की सोच रही हूँ। वैसे तो मैं अगर डर लगता है पानी से, जैसे मैं ऋषिकेश में पहली बार उतरी थी गंगा में रिवर राफ्टिंग करते टाइम, मुझे बहुत रोना आया था। वो मुझे, मैं खुद से नहीं उतरी थी, वो मुझे विक्की ने धक्का दिया था। बट आज मैंने खुद से बोला विक्की को चलो स्विमिंग पूल चलते हैं। वैसे मुझे बहुत डर लगता है, वैसे तो मैं चाहती तो हूँ मैं आप लोग को वहाँ का दिखाऊँ, बट वहाँ पर जो है कि मना है शूट करना। विक्की ऐसा कह रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, विक्की जाते रहते हैं वहाँ स्विमिंग पूल में, तो हो सकेगा तो मैं शूट करूँगी छिपके से, अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। बट मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ, जो मैं, जो लड़की इतना डरती है, मुझे पानी से बहुत फोबिया, जैसे बोलते हैं ना हाइड्रोफोबिया, वो है। और इग्नोर माई फेस, क्योंकि रैंडम प्लान बना और हम लोग ऐसे चले गए तुरंत ही। बाकी हमको वहीं जाके मिलते हैं साइबर बाद में। एक हमारे पास में भी लीलावती स्कूल में, पर वो बहुत छोटा सा है, वो छोटे बच्चों के लिए है। और एक केंद्रीय विद्यालय केवी में भी है, पर हम लोग साहिबाबाद जा रहे हैं, वो वहाँ पे सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा वाले मैं पूछ जाऊँगी आज, देखते हैं, क्या पता मैं तैर जाऊँ। लेकिन डर तो ऐसे ही निकलेगा ना जब मैं स्विमिंग करूँगी। अभी हम लोग जा रहे हैं हाईवे से। मैंने तो विक्की को बोला था कि मैं गाड़ी चलाती हूँ, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया। विक्की टावर अभी लगे ना, किस चीज़ के, टेलीफोन के, बिजली के बाहर है। अरे वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं गाइस, बिजली खंभे भी बहुत सुंदर लग रहे हैं गाज़ियाबाद में। मेरी आँखें नहीं खुल रही यार, पता नहीं क्यों, धूप में चिंकी चिंकी सी आँखें हैं ना मेरी, खुल नहीं रही है मेरी। सभी को हमने दादी के पास छोड़ दिया है, बाकी हम आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। ये रास्ता सीधे जा रहा है आपका मेट्रो स्टेशन, हिंडन मेट्रो स्टेशन है। इसलिए लगा यहाँ पे जाम लग गया, पर इन लोग को ये नहीं पता ये चलता हाईवे, यहाँ पे कहाँ हम लोग गाड़ी रोक के लोग वीडियो बना रहे हैं। लोग हद हो गई, ब्लॉग बनाओ लोग गाइस, लोग ना यार, मैं गाइस गाइस बस बोल रही हूँ दोस्तों। लोग ना रिक्शे में जा रहे हैं, ई रिक्शे में, और वहाँ से वीडियो बना रहे हैं। वो देखो मेट्रो जा रही है, आई डोंट नो फोटो शूट करके चलिए चलिए। और मेरा व्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, जस्ट बिकॉज इवन मैंने कोई शॉर्ट्स वीडियो भी नहीं डाली यूट्यूब में, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी इस वजह से। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, आज जो है ना इलेक्शन के रिजल्ट है। मैंने और विक्की ने वो लगाई है आपस में कि कौन जीतेगा। मैं चाहती हूँ कि बीजेपी जीते, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे, वैसे तो कोई भी जीते, पर मेरा खुद से एक होता है ना कि मुझे पसंदीदा वो मेरा है कि वो जीते। कौन? बीजेपी। ये वही रास्ता है गाइज, अगर मैं उस टाइम पे व्लॉग बनाती ना जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो ये वही रास्ता है मेरे हॉस्पिटल का, जहाँ हम चेकअप कराने जाते हैं, नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल। बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, और जिससे मैं जाती थी चेकअप कराने के लिए, जय साई बाबा, साई बाबा का मंदिर, साई बाबा, जय साई बाबा। वो है डॉक्टर सुरभि अग्रवाल, वो बहुत अच्छी है। एक यहाँ पर साई बाबा पड़ता है, एक इसके जस्ट अपोजिट में थोड़ा सा आगे जाके वो पड़ता है, वो पीर बाबा, पीर बाबा की दरगाह। हम दोनों जगह जाते थे पहले, जब मैं शादी से पहले, मैं, मेरे पापा, मम्मी, भाई। शादी के बाद तो नहीं गई मैं, पर जाएंगे, सभी को लेके जाएंगे सब जगह, सभी को दरगाह भी ले जाएंगे, मंदिर भी ले जाएंगे, हर जगह।
चर्च भी ले जाएंगे। चर्च में खुद नहीं गई आज तक, बट क्या पता सभी के उससे मैं भी चली जाऊँ। विकी आप चर्च गए हो? विकी भी कभी चर्च नहीं गए। ये हमारी सनरूफ है, मैंने अभी खोली थी क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। बाकी व्लॉग मैं वहीं मिलती हूँ, वरना फिर ना यहाँ बहुत लंबा व्लॉग बन जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं आपको वहीं मिलती हूँ सीधा उस पूल के गेट। अंदर पता नहीं अलाव होगा नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बाहर आपको पहले बता दूँगी कि अलाव है या नहीं। हम आ गए हैं स्विमिंग पूल में, ये देखिए। तो मैं आपको अपना एक शॉट दिखाती हूँ वीडियो का। ये मेरे हस्बैंड विक्की। विक्की थैंक यू सो मच, आप मुझे पानी में लाए, स्विमिंग पूल में लाए, मेरा फोबिया निकाल दिया। पता है पहले उन्होंने मुझे 4 फीट में उतार दिया था और भाई मेरे तो प्राण चले गए थे, फिर उन्होंने मुझे छूटा है। बहुत अच्छा है, देखो मैं आपको तैर के दिखाती हूँ। आज बहुत ज्यादा भीड़ है मेरे टाइम पे। आज मैं बहुत बहुत ज्यादा गहरे वाले में गई, पर मैं फिर से ऊपर आ गई। मैं और गहरे वाले में जाके दिखाऊं कितना गहरा पानी है। देखिए मेरा हाथ पकड़ो, कितना गहरा पानी है। देखो अभी मेरे यहाँ पे है, यहाँ आने लग गया, यहाँ आने लग गया। बस बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे खींचो। डर तो डर ही है, इसलिए तो फोबिया भी एक वर्ड है। और
अब हम घर जा रहे हैं। अब इस ब्लॉग को हम यही एंड करेंगे, घर जाके हम सभी से मिलेंगे। अगर आप लोग को भी अगर स्विमिंग का शौक है तो आप लोग भी राजेंद्र पैलेस आना, आरसी क्लब है यहाँ पे राजेंद्र साई बाबा का, वहाँ पे आना, बहुत अच्छा है। अब मैं कभी और विक्की को बोलूँगी कि मुझे अगेन ले जाना, मतलब नॉट अभी रिसेंटली, क्योंकि रिसेंटली तो मेरे दिमाग में अभी इसी का क्रेज रहेगा। कम से कम 2-3 हफ्ते बाद बोलूँगी विक्की को, 15-20 दिन बाद विक्की दोबारा ले जाओ मेरे को, अच्छा लगा मेरे को। पहला एक्सपीरियंस जो मैं पहली बार गई थी, वो जो मेरे फेस में एक्सप्रेशन, वो जो खुशी, वो सेकंड टाइम में थोड़ी कम रहेगी पर थोड़ी कम, पर वो चीज़ उतावलापन नहीं रहेगी, पर मज़ा आएगा। निक्की निक्की बाय कर दो, अभी कह रहे अभी कह रहे अभी जैम है गाइस, ये केंद्रीय विद्यालय की इंग्लिश है, आप लोग हंसी मत जैसे मैं हंस गई, पर केंद्र दादे में ऐसे ही बोलते हैं जे एम, जैसे हमारे पास ट्रैफिक बोलते हैं, क्या ट्रैफिक बोलते हैं, ट्रैफिक है, ट्रैफिक ट्रैफिक जे एम है। चलो भाई हम इसको यहीं एंड करते हैं, अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग जब मैं कहीं अगेन कहीं टूर पे जाऊंगी या कभी मुझे कहीं घुमाने ले जाएंगे, मे बी शायद नेक्स्ट हमारा वहाँ का बनेगा पहलवान का जो ढाबा है, कहाँ है देखिए वो RDC वहाँ शायद हम लोग आ गए। प्लीज़ इग्नोर माई हेयर क्योंकि स्विमिंग पूल में करके आई हूँ मैं यार, वहाँ तो मैं गोरी गोरी लग रही थी धूप में पानी में, यहाँ आके देखना बाय।